दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करते हैं हरियाणा के नए चुने गए 90 विधायक कौन कौन से हैं, उन 90 विधायकों ने किस उम्मीदवार को ये चुनाव हराया और कितने वोटों से चुनाव हराया है, किस पार्टी का उम्मीदवार किस सीट के ऊपर चुनाव जीतकर विधायक बना है, ये सब बातें आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो बने रहिए आप रियल फार्मर फैमिली यूट्यूब चैनल के साथ। सबसे पहले बात करते हैं हम कालका विधानसभा की। तो कालका विधानसभा से बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती शक्ति रानी ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी को 10,383 वोटों से चुनाव हराया है और श्रीमती शक्ति रानी कालका विधानसभा से नई विधायिका बनी है। अगली सीट आती है पंचकुला विधानसभा। तो पंचकुला विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्रमोहन बिश्नोई ने बीजेपी के उम्मीदवार ज्ञानचंद गुप्ता को 1997 वोटों से चुनाव हराया है और चंद्रमोहन बिश्नोई पंचकुला से विधायक चुने गए हैं। नारायणगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती शैली चौधरी ने बीजेपी के उम्मीदवार पवन सैनी को 15,094 वोटों से हराया है और नारायणगढ़ विधानसभा से शैली चौधरी कांग्रेस की उम्मीदवार विधायिका बनी है। अंबाला कैंट विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बीज और उनके सामने थी निर्दलीय उम्मीदवार चित्रा सरवारा। चित्रा सरवारा ने अनिल बीज को कड़ी टक्कर दी है। अनिल बीज इस बार महज 7,277 वोटों से ये चुनाव जीते हैं। अंबाला शहरी विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार चौधरी निर्मल सिंह ने 11,131 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार असीम गोयल को ये चुनाव हराया है और अंबाला शहरी विधानसभा से चौधरी निर्मल सिंह है वो विधायक बने हैं। अगली सीट आती है मुलाना विधानसभा। तो मुलाना विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती पूजा चौधरी ने बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती संतोष सागवान को 12,865 वोटों से चुनाव हराया है। साढ़ौरा विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती रेणु बाला ने बीजेपी के उम्मीदवार बलवंत सिंह को 1699 वोटों से चुनाव हराया है। जगाधरी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्रम खान ने बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी कंवरपाल गुज्जर को 6868 वोटों से चुनाव हराया है और जगाधरी विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार अक्रम खान है वो नए विधायक चुने गए हैं। यमुनानगर विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम दास अरोड़ा ने कांग्रेस के उम्मीदवार रमन त्यागी को 22,437 वोटों से चुनाव हराया है। रादौर विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार श्याम सिंह राणा ने कांग्रेस के उम्मीदवार बिशन लाल सैनी को 13,132 वोटों से चुनाव हराया है। लाडवा विधानसभा का जिक्र करें तो श्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के उम्मीदवार मेवा सिंह को 16,054 वोटों से चुनाव हराया है। शाहबाद विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रामकरण काला ने बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष कलसाना को 6441 वोटों से चुनाव हराया है। थानेसर विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अशोक अरोड़ा ने बीजेपी के उम्मीदवार सुभाष सुदा को 3,243 वोटों से चुनाव हराया है। पियोबा विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मनदीप सिंह चट्ठा ने बीजेपी के उम्मीदवार जय भगवान शर्मा को 6,553 वोटों से चुनाव हराया है। गुल्ला चिक्का विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार देवेंद्र हंस ने बीजेपी के उम्मीदवार कलमत बाजीगर को 22,880 वोटों से चुनाव हराया है। कलायत विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास सारण ने बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती कमलेश डांडा को 13,419 वोटों से चुनाव हराया है और कलायत विधानसभा से विकास सारण पहली बार विधायक चुने गए हैं। केतर विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से आदित्य सुरजेवाला ने बीजेपी के उम्मीदवार लीलाराम गुज्जर को 8,124 वोटों से चुनाव हराया है। पुंडरी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सतपाल जावा ने निर्दलीय उम्मीदवार सतबीर बाणा को 2,197 वोटों से चुनाव हराया है। नीलोखेड़ी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार धर्मपाल गोंदर को बीजेपी के उम्मीदवार भगवान दास कबीरपंथी ने 18,845 वोटों से चुनाव हराया है। इंद्री विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार राम कुमार कश्यप ने 15,149 वोटों से चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश कंबोज को ये चुनाव हराया है। करनाल विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार जगमोहन आनंद ने कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती सुनीता बिरक को 33,652 वोटों से चुनाव हराया है। गरौंडा विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हरविंदर सिंह कल्याण चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह राठौर को 4,531 वोटों से चुनाव हराया है।
असंध विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र राणा चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार शमशेर सिंह गोगी को 2306 वोटों से हराया है। पानीपत ग्रामीण विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार महिपाल डांडा वो चुनाव जीते हैं और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सचिन कुंडू को 50,212 वोटों से चुनाव हराया है। पानीपत शहरी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार प्रमोद बिज ने कांग्रेस के उम्मीदवार बृंदर सिंह उर्फ बुल्लेसिया को 35,672 वोटों से चुनाव हराकर ये चुनाव जीता है। होटल विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार हरिंदर सिंह रामरतन ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयबान को 2595 वोटों से चुनाव हराया है। समालका विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मनमोहन बडाना ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार धर्म सिंह छोकर को 19,315 वोटों से चुनाव हराया है। गन्नौर विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से निर्दलीय उम्मीदवार देवेंद्र सिंह कादियान ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप शर्मा को 35,209 वोटों से हराया है। राई विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती कृष्णा गहलावत ने चुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार जय भगवान अंतिल को 4673 वोटों से हराया है। खरखोदा विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार पवन खरखोदा चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार बलबीर सिंह वाल्मीकि को 4653 वोटों से हराया है। सोनीपत विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार निखिल मदान ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सुरेंद्र पवार को 29,627 वोटों से हराया है। गोहाना विधानसभा का जिक्र करें तो गोहाना विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अरविंद शर्मा चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार जगबीर सिंह मलिक को 10,429 वोटों से हराया है। आपको बता दें कि यहां पर हरियाणा के प्रमुख समाज सेवी हरस छिकारा भी चुनाव लड़ रहे थे, परंतु हरस छिकारा को 15,000 वोट मिले हैं और वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। हरस छिकारा गोहाना विधानसभा से अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। बरौदा विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल है वो 5,642 वोटों से चुनाव जीते हैं। उनकी टक्कर निर्दलीय उम्मीदवार कपूर सिंह के साथ थी। कपूर सिंह है वो दूसरे नंबर पर आए हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार इंदुराज नरवाल है वो यहां से चुनाव जीते हैं। जुलाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार विनेश फोगाट ने 6,015 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेंद्र बैरागी को चुनाव हराया है। सफीदों विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार दादा राम कुमार गौतम चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सुभाष गांगुली को 4,037 वोटों से हराया है। जींद विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण लाल मिड्डा है वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार महावीर गुप्ता को 15,860 वोटों से ये चुनाव हराया है। उचाणा कला विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह को मात्र 32 वोटों से हराया है। आपको बता दें कि उचाणा कला विधानसभा में जितने चर्चे बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री की जीत के नहीं हो रहे, उससे ज्यादा चर्चे हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार ब्रजेंद्र सिंह की हार के हो रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मात्र 32 वोटों से चुनाव हारे हैं। नरवाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार कृष्ण बेदी चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सतबीर दबलेन को 11,499 वोटों से हराया है। टोहाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार परमबीर सिंह ने चुनाव जीता। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह बबली को 10,836 वोटों से हराया है। फतेहाबाद विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बलवान सिंह दौलतपुरिया 2,252 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी दूड़ाराम को हराकर यह चुनाव जीता है। रतिया विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार सरदार जरनेल सिंह ने बीजेपी की उम्मीदवार श्रीमती सुनीता दुग्गल को 21,442 वोटों से हराया है। कलानौर विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती शकुंतला खटक ने चुनाव जीता। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमती रेणु डावला को ये चुनाव हराया है। डब्बावाली विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से इनेलो के उम्मीदवार आदित्य चौटाला 610 वोटों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अमित शाह को चुनाव हराया है। सिरसा विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार गोकुल सेतिया 7,234 वोटों से जीते हैं। उन्होंने गोपाल कांडा को ये चुनाव हराया है। आदमपुर विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश धांगड़ा है वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार बबे बिश्नोई को 1,268 वोटों से हराया है।
उकलाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार नरेश सहलवाल ने चुनाव जीता है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अनूप धानक को 28,092 वोटों से हराया है। नारनौंद विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार जसबीर उर्फ जस्सी पेटवार ने चुनाव जीता। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन अभिमन्यु को 12,578 वोटों से हराया है। हांसी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार विनोद ब्याणा चुनाव जीते। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल मक्कड़ को 21,460 वोटों से हराया है। बरवाला विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार रणवीर सिंह गंगवा चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास घोड़ेला को 26,942 वोटों से हराया है। हिसार विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रही सावित्री जिंदल ने कांग्रेस के उम्मीदवार रामनिवास राणा को 18,941 वोटों से हराया है। नरवा विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार रणधीर सिंह पनियार चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल मान को 12,144 वोटों से हराया है। लोहारू विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार राजवीर फरटिया वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता व हरियाणा के पूर्व कृषि मंत्री जेपी दलाल को ये चुनाव 792 वोटों से हराया है। बाडड़ा विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार उमेद पत्तुवास है, उन्होंने ये चुनाव जीता है। और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार सोमवीर सिंह श्योराण को 75,830 वोटों से हराया है। दादरी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सागवान ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती डॉक्टर मनीषा सागवान को 1957 वोटों से हराया है। सोना विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार तेजपाल तंवर ने यह चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार रोहतास खटाना को 11,877 वोटों से हराया है। तोसाम विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी की उम्मीदवार श्रुति चौधरी ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार अनिरुद्ध चौधरी को 14,257 वोटों से हराया है। भवानीखेड़ा विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार कपूर वाल्मीकि ने कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप नरवाल को 21,880 वोटों से हराया है। महम विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार बलराम दागंगी है वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार दीपक हुड्डा को 18,060 वोटों से हराया है। गढ़ी किलोई सांपला विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव जीते हैं। और बीजेपी की उम्मीदवार मंजू चौधरी अब 71,465 वोटों से चुनाव हारी है। रोहतक विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार भारत भूषण बत्रा 1,341 वोटों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार मनीष ग्रोवर को ये चुनाव हराया है। बहादुरगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से निर्दलीय उम्मीदवार राजेश जून है वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार राजेंद्र जून को 41,999 वोटों से चुनाव हराया है। आपको बता दें कि हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत है निर्दलीय उम्मीदवारों में से राजेश जून की 41,999 वोटों से। बादली विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार कुलदीप बत्स ने चुनाव जीता है। उन्होंने बीजेपी के बड़े नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ को 16,820 वोटों से चुनाव हराया है। झज्जर विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती गीता बुक्कल ने चुनाव जीता है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार कप्तान बिरदाना को 13,555 वोटों से हराया है। बेरी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीर सिंह कादियान ने चुनाव जीता है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार संजय कवलाना को 35,470 वोटों से हराया है। इसराना विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार किशन लाल पंवार है वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने बलबीर सिंह वाल्मीकि को 13,895 वोटों से हराया है। अटेली विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी की उम्मीदवार आरती राव ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार अनीता यादव को 13,085 वोटों से हराया है। महेंद्रगढ़ विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार कंवर सिंह यादव वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार रावदान सिंह को 2,638 वोटों से चुनाव हराया है। नारनौल विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार नरेंद्र सिंह को 17,171 वोटों से हराया है। नांगल चौधरी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती मंजू चौधरी ने चुनाव जीता है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार व पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव को 6,930 वोटों से हराया है। बावल विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार डॉक्टर कृष्ण कुमार ने कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर एम एल रंगा को
20,011 वोटों से हराया है। कोसली विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल दाइमा ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश यादव को 17,209 वोटों से हराया है। रेवाड़ी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार चिरंजीव राव को 28,769 वोटों से चुनाव हराया है। पटौदी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार श्रीमती बिमला चौधरी ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस की उम्मीदवार श्रीमती परल चौधरी को 46,530 वोटों से हराया है। बादशाहपुर विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार राव नरवीर सिंह चुनाव जीते। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव को 60,705 वोटों से हराया है। गुरुग्राम विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश शर्मा ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार मोहित ग्रोवर को 68,045 वोटों से हराया है। कालावाली विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार शीश राम केरवाड़ा ने चुनाव जीता है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र देसुजोदा को 22,959 वोटों से हराया है। नू विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार आताव अहमद जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार संजय सिंह को 46,963 वोटों से चुनाव हराया है। फिरोजपुर जिरका का जिक्र करें तो हरियाणा विधानसभा में इस बार ये ऐसी सीट है जहां पर सबसे ज्यादा वोटों से हार जीत हुई है। आपको बता दें कि यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान ने बीजेपी के उम्मीदवार नसीम अहमद को 98,441 वोटों से हराया है। यानी कि यहां पर मामन खान है वो 98,441 वोटों से चुनाव जीते हैं और ये हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जीत है। मामन खान से ज्यादा वोटों से हरियाणा के अंदर किसी की भी जीत नहीं हुई है। सबसे कम जीत हुई है उचाना के अंदर 32 वोटों से बीजेपी के उम्मीदवार देवेंद्र अत्री की और सबसे ज्यादा जीत हुई है कांग्रेस के उम्मीदवार मामन खान की 98,441 वोटों से। पुनाना विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इलियास चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार एजाज खान को 31,916 वोटों से हराया है। हथीन विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद इसराइल है वो चुनाव जीते हैं। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार मनोज ग्रोवर को 32,396 वोटों से हराया है। पलवल विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार गौरव गौतम ने चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार कर्ण सिंह दलाल को 33,605 वोटों से हराया है। पिरथला विधानसभा का जिक्र करें तो कांग्रेस के उम्मीदवार रघुवीर सिंह तेवतिया ने चुनाव जीता है। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार टेकचंद शर्मा को 20,541 वोटों से हराया है। फरीदाबाद एनआईटी का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश फागणा ने यह चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज शर्मा को 33,217 वोटों से हराया है। बड़कल विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश अदलखा ने यह चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार विजय प्रताप सिंह को 6,181 वोटों से हराया है। फरीदाबाद का जिक्र करें तो फरीदाबाद से बीजेपी के उम्मीदवार विपुल गोयल ने यह चुनाव जीता है। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार लखन कुमार सिंगला को 48,381 वोटों से हराया है। तिगांव विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार राजेश नागर ने चुनाव जीता है। उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार ललित नागर को 37,401 वोटों से हराया है। भिवानी विधानसभा का जिक्र करें तो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार घनश्याम सराफ 3,274 वोटों से चुनाव जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस या गठबंधन का जो उम्मीदवार था कॉमरेड ओम प्रकाश उनको ये चुनाव हराया है। तो दोस्तों ये 90 विधानसभाएं थी जिनका हमने इस वीडियो के अंदर जिक्र किया कि कौन सी विधानसभा से किस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता है और कितने वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है, कौन कितने वोटों से चुनाव हारा है, सब कुछ आज इस वीडियो के अंदर हमने जिक्र किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इन्हीं तमाम बातों के साथ आप सबको राम राम नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।